माय यूट्यूब चैनल फिशिंग झारखंड में आप सब स्वागत है। आप देख सकते हैं मैंने फिशिंग रॉड मंगाया हूँ जो डीका थाइलोन कंपनी से नाम है उसका, और देख सकते हैं पैकिंग में काफ़ी से डैमेज लग रहा है मुझे, तो आप देख सकते हैं काफ़ी टेढ़ी मेरी है। मुझे तो लग रहा अंदर कहीं कि रॉड कहीं क्रेक ना हो, तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इस रॉड का नाम है बिग फाइट फिशिंग रॉड और ये कैटफिश के लिए काफ़ी मशहूर है और मजबूती काफ़ी है, सिर्फ कैटफिश के लिए है। तो चलिए आइए मैं इसे ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि टूटा उटा तो नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी तरह का मैं वीडियो डालता रहता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड मैंने इसे नीचे, अब मैं इसे ओपन करने वाला हूँ क्योंकि मुझे तो देख के लगता है कि टूटा फूटा होगा। तो आप देख सकते हैं, आइए देखते हैं कहीं रॉड टूटा हुआ तो नहीं है। ये देखिए हमारा फिशिंग रॉड बिग फाइव, ये देखिए देखिए काफ़ी बेहतरीन रॉड है और काफ़ी हल्की भी है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है।
हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यह कैपरलैंड का कैटफिश बिग फाइट फिशिंग रॉड है। यह 240 सेंटीमीटर यानी 8 फीट का रॉड है और यह बट जॉइंट में आता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस रॉड पे बहुत सारी मछलियां उठाई गई हैं, बड़ी बड़ी मछलियां। और इस पे 15 केजी तक का डेडलिफ्ट वेट टेस्ट किया गया है और बहुत ही अच्छी तरह वो डेडलिफ्ट सक्सेस रहा। आप देख सकते हैं अब यूट्यूब पर डेडलिफ्ट के रिव्यू। और ये रड काफ़ी बेहतरीन है और ये सी गाइड के तरफ से इसका गाइड आता है रिंग, आप देख सकते हैं सी गाइड। ये काफ़ी अच्छी गाइड बनाती है कंपनी सी गाइड। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे इसके बारे में भी दिया गया है, ये रस्ट रेजिस्टेंस है और स्टेबल फॉर वैरायटी ऑफ फिशिंग लाइंस के लिए और स्टेबल एंड रिलायबल परफॉर्मेंस है सी गाइड। आप देख सकते हैं इस गाइड में अपने कंपनी ने एक छोटा सा लोगो दिया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा SG सी गाइड, ठीक है। और ये कैपरलैन डेकाथलोन की तरफ से फिशिंग रॉड है, बिग फाइट फिशिंग रॉड, कार्बन और फाइबर ग्लास से बना हुआ है। आप इस पे कास्ट 60 ग्राम से 150 ग्राम तक का कर सकते हैं और इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं आप। ये रॉड है 355 ग्राम का और इस पे आप 14 से 33 केजी तक लिफ्ट कर सकते हैं। और इसका लाइन कैपेसिटी है 32 से 72 लैप्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। और कास्टिंग वेट है 60 से 160 ग्राम, 160 ग्राम। और ये सी गाइड का भी रील सीट है दोस्तों, देखिए आप, ये सी गाइड कंपनी का रील सीट है जो कि काफ़ी मजबूत रील सीट है। सी गाइड जो अच्छी कंपनी है वो बनाती है। और ये बट जॉइंट हैंडल है, हैंडल काफ़ी बड़ा है, बढ़िया ग्रिप है, फॉर्म हैंडल है, देख सकते हैं। इसका इंस्पेक्शन देख लीजिए यहाँ, ये रॉड कैटफिश के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, लुअर कास्टिंग जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और ये फाइबर ग्लास और कार्बन में आया है रॉड, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए देखिए इसका बेंडिंग। फिलहाल तो ये कुछ भी नहीं है, जितना आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा ही बेंड होता है ये, और काफ़ी मजबूत है। आप इसमें बड़ी से बड़ी कैटफिश निकाल सकते हैं। ये स्पेशली डिजाइन है लुअर कास्टिंग के लिए, देखिए ये काफ़ी बेहतरीन रॉड है। इससे 60 से 150 ग्राम तक आप कास्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी दूर तक जाएगी आपकी कास्टिंग। ये देखिए रॉड। और ये इसका पैकिंग तो देखिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पर रॉड टूट ही गया हो, इतना ख़राब पैकिंग आया है इसका, देख सकते हैं किस तरह डब्बा का हालत है। यहाँ से बीच में एक तरफ देखिए आप डैमेज है, ये देखिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, डब्बा कितना भी ख़राब हो हमारा फिशिंग रॉड बच गया है और अच्छे हालत में है, वही काफ़ी है। आप देख सकते हैं रॉड को, देखिए लुक डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन बनाया है इस रॉड का, फॉर्म हैंडल है, सी गाइड का रील सीट है, बट जॉइंट में है, बिग फाइट फाइव फिशिंग रॉड कैटफिश स्पेशल सी गाइड के साथ, देख सकते हैं। ये इसका ऊपर का गाइड देखिए, काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है, बहुत ही अच्छा ये है सी गाइड की तरफ से, देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हर एक गाइड सी गाइड का ही है, इसका लोगो भी है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत रॉड है दोस्त, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा तब आपका इसका परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। इस पे समुंदर में भी फिशिंग करते हैं। और ये तो खैर बनी है स्पेशल
कैटफिश के लिए, लेकिन इस पे समुंदर में हर तरह की मछली निकाली गई है दोस्त, देख सकते हैं आप। तो ये रोड आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहता हूँ, इससे भी मैंने पहले एक लुकाना का डाला था, आप लुकाना का भी ज़रूर देखिएगा। लुकाना भी वो काफ़ी हैवी रोड था और ये भी काफ़ी हैवी रोड है, तो मैं जल्दी इसका फिशिंग वाला वीडियो डालूंगा। तो हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।